अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन आयशा का किचन। आज आयशा बना रही है आलू पालक के पराठे। इसके लिए मैंने बॉईल आलू लिए हैं। इन आलू को मैश करना है। पालक को नमक के पानी से अच्छे से वॉश किया है, उसे फाइन चॉप किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी लेना है। गेहूँ का आटा और बेसन दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेना है। इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके अच्छे से टाइट डो तैयार करेंगे। ये हमने टाइट डो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके पराठे बनाएंगे। बच्चों को पालक खिलाने का ये अच्छा तरीका है। काफ़ी सारे बच्चे पालक नहीं खाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये आटे की छोटी सी बाल लेंगे हम, छोटी नहीं, थोड़ी सी मीडियम साइज की बाल है। इसमें ये आटा लगाएंगे। अब हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। ये पराठा हमने बेल लिया है, अब इसे हम सेक लेंगे। तवा मीडियम गरम करना है। बहुत ज़्यादा गरम तवे में अगर हम ये पराठा डालेंगे तो पराठा चिपक जाएगा। हल्का सा सेकने के बाद हम इसे टर्न करेंगे। दूसरी साइड थोड़ा सा ज़्यादा सेकने के बाद हम इसे टर्न करेंगे। अब हल्का सा तेल सब तरफ लगा देंगे। अब टर्न करेंगे। बहुत अच्छे से सीख चुका है माशाल्लाह। ये पराठा हमारा कंप्लीट है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। इसे हम सिंपल इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका बताती हूँ ताकि बच्चे इसे बहुत शौक से खाएं। इस पराठे पे बच्चों की मनपसंद चटनी लगाएं। चटनी लगाने के बाद इस पर टमाटर डालेंगे, प्याज और सेव डालेंगे। सेव डालने के बाद इसका रोल करेंगे। इस तरीके से जब हम बच्चों को इसे देंगे तो बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे और बच्चे बाहर के खाने की डिमांड नहीं करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।